हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लावा की तरफ से माई जी नाम के एक मोबाइल के बारे में, जहाँ पे कम्प्लीटली कस्टमाइज मोबाइल, एक तरह के कह सकते हैं कि जैसा आपको ज़रूरत है आप वैसा ही उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप परचेज करने के बाद भी उसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वह इस वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए हैं, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो हमारे इस वीडियो के लिए। तो चलिए गाइस, बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले लावा की तरफ से। तो लावा, जैसा कि हम देख रहे थे, काफ़ी सारे पहले मोबाइल्स वगैरह यहाँ पे आते थे इसके, लेकिन अब कुछ समय से इसके जो मोबाइल्स हैं वो थोड़े कम हो गए थे। तो गाइस, स्मार्टफोन की सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी अगर कंपनी लॉन्च करती है स्मार्टफोन, तो जो उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो फिक्स होते हैं। कि मान लीजिए आपने कोई स्मार्टफोन लिया तो आपको उसमें इतनी जीबी रैम मिल जाएगी, ठीक है, जो उसका स्टोरेज होगा वो होगा, प्लस जो उसमें कैमरा फ्रंट या बैक के रियर वगैरह की कैमरा की बात करें, तो मतलब एक फिक्स स्पेसिफिकेशन हमारे सामने होता है। और जो प्राइस की लिस्ट की बात करें तो वो भी हमें बता दिया जाता है कि इतने इतने प्राइस में आपको ये स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे बात करें अगर लावा की तरफ से माई जी की ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली चेंज है। तो यहाँ पे क्या है कि आप एक्चुअली ऐसा होता है कि जितने भी बंदे हैं तो उन सबकी जो ज़रूरत है वो अलग अलग होती है। तो कोई चाहता है कि उसे अच्छा काम करना है, तो मतलब उसे परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, प्लस स्टोरेज चाहिए, उसके अलावा उसे कैमरा पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, कि उसे फोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं करनी, उसे सिर्फ अपना काम करना है, उसे परफॉर्मेंस वाइज लेना है, प्लस उसको जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा होना चाहिए, और उसमें रैम और स्टोरेज के लिए उसने सिर्फ लेना है। तो हम रैम और स्टोरेज में इन्वेस्ट करेंगे, बाकी किसी पोर्शन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन द वे किसी लोगों को कैमरा चाहिए अच्छा, कि कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए, बाकी स्टोरेज ठीक ठाक भी चल जाए, रैम भी ठीक ठाक हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि आप अपना जो कैमरा है वो बेस्ट क्वालिटी का कैमरा ले सकते हैं, और जो स्टोरेज है वो मिनिमम में आप ला सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें रैम की, तो आप 2GB से 6GB तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपका 2GB में काम चलता है तो आप 2GB ले सकते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम आप 6GB तक जा सकते हैं। और स्टोरेज की बात करें तो आप 32GB से 128GB तक जो स्टोरेज वेरियंट है वो भी ले सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में आपको हम कस्टमाइजली बताते हैं प्रैक्टिकली वे से कि कैसे ये सब पॉसिबल होता है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पीसी के स्क्रीन पर, और उसके बाद में हम चल के आपको बताते हैं वहाँ पे क्या करना है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, यूजफुल लगी तो शेयर करिए दूसरों के साथ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल रही है दूसरों को भी मिल सके। तो गाइस, देखते हैं पीसी में। जैसा कि गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे जो साइड आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे माई जेड करके लावा आ रहा है। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा इंटरनेट स्लो है, आई थिंक नो 5 steps टू माई जेड लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे आप फ़ोन का फ्रंट साइड देख पा रहे हैं और बैक साइड देख पा रहे हैं कि कैसे आपकी फाइनली जो लुक होगा वो होगा। तो यहाँ पे हम कस्टमाइज़ करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि रियर कैमरा आपको कैसा चाहिए, तो हम जैसे प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आते हैं कि आपको 13.2 का चाहिए या 13.5:2 का सेटअप चाहिए। तो जैसा भी आप सपोज करते हैं, हमें कैमरा 13:2 ही ठीक है, और इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, तो फ्रंट कैमरा हमें चाहिए यहाँ पे 16 MP का अच्छी सेल्फी के लिए। और रैम की बात करें तो हमें 2GB ले लेते हैं, ताकि ठीक ठाक है, हमें ज़्यादा नहीं हैवी टास्क करने हैं। तो रोम की बात करें तो 32GB ले लेंगे। और कलर यहाँ पे अगर बात करें तो रेड कलर सेलेक्ट करके और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कॉस्ट बन के आ रहा है वो हमारे फ़ोन का बन के आ रहा है लगभग 7349। तो ये आपका रियल कॉस्ट होगा जो आपने इस स्पेसिफिकेशंस के साथ जो भी आप मोबाइल लेंगे उसके बारे में। और अगर हम इसको थोड़ा सा चेंजेस भी करते, तो हम यहाँ पर जाएंगे और अगर ये वाला सेलेक्ट करते हैं और उसके साथ में फ्रंट कैमरा 16 MP, अगर हम बात करें यहाँ पे इसको फुल्ली अपग्रेड करने की, तो 6GB रैम है, तो हम सब कुछ मैक्स पे कर रहे हैं यहाँ पे, रोम 128GB, और स्टोरेज हम इसका कलर रेड ही ले लेंगे। और तो इसका जो कॉस्ट देखें तो यहाँ पे 10,699 रुपीज़ हमें देखने को मिलेंगे इस मॉडल के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका जो मैक्स वर्जन है, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 13.5:2:2 का 2 MP का कैमरा, और फ्रंट कैमरे की बात करें तो 60 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, रैम 6GB और जो स्टोरेज है वो 128GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा, और कलर रेड या ब्लू आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्ट पड़ेगी वो 10,699 आपको देखने को मिलेगी। उसके नीचे यहाँ पे अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो प्लेटफॉर्म में हमें यहाँ पे जो GSM है, CDMA है, और जो 4G है वो हमें देखने को मिल जाता है। इवन यहाँ पे हमें 5G देखने को नहीं मिलेगा,
और इसके अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे हमें मीडिया टेक हीलियो जी जो 35 मॉडल देखने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके OS वगैरह के बारे में, और डिस्प्ले जो है डिस्प्ले के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है कि 6.5 इंच की जो नॉच डिस्प्ले में देखने को मिलेगी। IPS पैनल होगा क्योंकि ये जो मोबाइल है वो हमें 10,000 के नीचे देखने को मिलता है, तो जितने भी मोबाइल वगैरह हैं 10,000 से नीचे वहाँ पे हमें IPS डिस्प्ले ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कोरिना ग्लास 5 की यहाँ पे प्रोटेक्शन भी हमें देखने को मिल जाती है, और PPI पिक्सल पर इंच की बात करें तो यहाँ पे 263 हमें देखने को मिलते हैं। 16.7 मिलियन कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे बैटरी 5000 mAh की बैटरी हमें, जो कि पूरा उसके बारे में लिखा गया है। मेमोरी जैसा कि बताया 512 तक एक्सपेंड कर सकते हैं, और LED वगैरह देखने को मिल जाती है, HD रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है 1080p में, और बाकी जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो सारे मॉडल में अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। बाकी जो मेन इसका हाईलाइट है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है, जो इसका कस्टमाइज वाला सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा बात यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 ईयर हैंडसेट वारंटी और 6 मंथ्स की आपकी वारंटी एसेसरीज जो आपको साथ में मिलेंगी वहाँ पर भी आपको वारंटी देखने को मिलेगी। फिंगरप्रिंट इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ फेस अनलॉक यहाँ पे मिल जाएगा, और बैटरी पावर सेव मोड मिल जाएगा, जो कि अगर हमारी बैटरी डाउन वगैरह हो जाती है तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशंस रहे हैं इसके बारे में, और ये इसका कंप्लीट डिजाइन है जो कि हमें देखने को मिलेगा। जैसे गाइस आपने भी देखा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमें प्राइस वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम अपनी जो कैटेगरी है सिलेक्ट करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उसी हिसाब से जो हमारा प्राइस है वो बन के आ जाता है। तो इन द वे हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने सिर्फ जब इसको परचेज कर रहे हैं उसी समय आप उसको कस्टमाइज कर रहे हैं, उसके बाद में आपको लग रहा है कि जैसे आपने कोई स्मार्टफोन ले लिया और उसके 1-2 महीने बाद रैम की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई उसी मोबाइल में जो रैम है उसको अपग्रेड करा सकते हैं। मतलब आपने 4GB वाला लिया था, आप उसको 6GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब 1 साल तक अगर आपने मोबाइल में कुछ भी कस्टमाइज करना है तो आप उसको कर सकते हो, आपके पास ये अथॉरिटी है, आप फ्रीली हो इसी काम के लिए। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि एक नया इवोल्यूशन हो सकता है स्मार्टफोन्स के लिए। आज तक किसी भी कंपनी ने ऐसा स्मार्टफोन नहीं बनाया कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप जो चाहे वो कस्टमाइज करें, जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं, स्टोरेज या रैम की बात करें या कैमरे के डिजाइन की बात करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बाकी गाइस आप बताइए वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।